हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई हो सारे भले बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ फायरबोल्ट का निंजा कॉलिंग प्रो स्मार्ट वॉच। तो बहुत अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कर लिया गाइस नॉइस का स्मार्ट वॉच, सोचते गए थोड़ा बहुत फायरबोल्ट का भी वॉच को देखते हैं कि कैसा है बिल्ड क्वालिटी वगैरह। और गाइस, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो गाइस मेरे चैनल पे मिल जाएगा शॉर्ट्स पे। तो गाइस चलिए फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सारे लोग लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये देख सकते हो गाइस फायरबोल्ट का ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग प्रो। इस पे गाइस 1.69 इंच का HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विथ ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आता है ये वाला स्मार्ट वॉच। यहाँ पे गाइस विराट कोहली का पिक्चर है, विराट कोहली ऐड देता है और ये देख सकते हो विराट कोहली का साइन। साइड की तरफ गाइस फायरबोल्ट का ब्रांडिंग, पीछे की तरफ की गाइस स्पेसिफिक लिखा हुआ है। 1.69 इंच का फुल टच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। SP ऑटो मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, इनबिल्ट गेम्स देखने को मिल जाएगा। हालांकि गाइस गेम्स का कुछ फायदा नहीं देने का, इतना बड़ा फोन रहते हुए भी इस पे कौन गेम खेलेगा, ठीक है। 120 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा, हार्ट रेट ट्रैक कर सकते हो, स्मार्ट नोटिफिकेशन इस पे दे रखा है और इसका प्राइस मेंशन करके रखा है। देखो गाइस 8000 रुपीज, भाई साहब 8000 रुपीज नहीं लगता है, ओनली और 2000 रुपीज़ के अंदर ये वाला स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ यहाँ पे QR को स्कैन करके दा फिट ऐप डाउनलोड करके स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। इधर भी कुछ वही स्पेसिफिकेशन है। और एक बात गाइस, इस पे वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है, मतलब वॉइस कमांड के थ्रू आप लोग स्मार्ट वॉच को चला सकते हो, ठीक है गाइस। और IP67 का वाटर प्रूफ रेजिस्टेंट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब 68 का नहीं 67 का, मतलब थोड़ा बहुत अगर पानी का बारिश पे छींटे लग जाए तो आपका वॉच ख़राब नहीं होगा और पानी के अंदर डूबा मत देना, ठीक है। तो ये 68 का वाटर प्रूफ रेटिंग नहीं 67 का है। तो बॉक्स पैकेज बहुत ही अच्छा लगा। चलिए गाइस फटाफट ओपन करते हैं और देख सकते हो गाइस ओपन कर लिया, ये देख सकते हो। और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, ये देख सकते हो गाइस फायरबोल्ट का बॉक्स मिलता है इसके अंदर। और इस पे क्या क्या मीट चीज़ मिलता है गाइस फटाफट चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया, देखो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिलते हैं। सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलता है देख लो, ये कुछ डॉक्यूमेंट मिलता है। इस पे गाना का 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, बुक माई शो वाउचर कार्ड देखने को मिल जाएगा, वारंटी क्लेम करने के लिए वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा, स्कैन करके वारंटी क्लेम कर सकते हो। वही बड़ा सा फायरबोल्ट का एक मैनुअल बुक दे देता है, कोई नहीं यूज़ करता है। सारी चीज़ को साइड में रखते हैं और क्या चीज़ मिलती है गाइस देखते हैं। ये देख सकते हो गाइस स्मार्ट वॉच मिलता है, फटाफट गाइस स्मार्ट वॉच को निकाल देते हैं। स्मार्ट वॉच मिलता है और एक गाइस चार्जर केबल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले स्ट्रैप को ओपन कर लेते हैं। स्ट्रैप ओपन कर लिया गाइस, यहाँ पे फायरबोल्ट का एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। स्ट्रैप क्वालिटी गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके ऊपर जो स्टिकर है इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया, स्टिकर को रख देते हैं साइड पे। और बिल्ड क्वालिटी गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा वॉच का। तो ठीक है गाइस, ये 1.69 का कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। गाइस ये पीछे की पार्ट जो आप लोग देख रहे हो ना, ये सारे आप लोगों को प्लास्टिक का देखने को मिल जाएगा। ये उस साइड पे गाइस स्पीकर है, मतलब इसके थ्रू आप गाना भी सुन सकते हो। इधर माइक है, वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिल जाएगा, वॉइस असिस्टेंट भी इस माइक के थ्रू काम करेगा, ठीक है गाइस। और पीछे की तरफ गाइस यहाँ पे फ़ोन को चार्ज करने लगा कनेक्टर, और यहाँ पे कुछ सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। साइड की तरफ गाइस यहाँ पे क्राउन बटन देखने को मिल जाएगा वॉच को ऑन ऑफ करने के लिए। और गाइस इस वॉच पे आप लोग स्ट्रैप को रिमूव भी कर सकते हो इसके थ्रू, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो गाइस यहाँ से आप लोग स्ट्रैप को रिमूव भी कर सकते हो। तो चले गए फटाफट स्मार्ट वॉच को ऑन कर लेते हैं। एक चीज़ मुझे गाइस बहुत ही अच्छा लगा जो कि है बूटअप। तो बूटअप इस पे गाइस बहुत ही फास्ट है। तो गाइस स्मार्ट वॉच ऑन होने के बाद कुछ ऐसा एक डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस मिलता है विराट कोहली के साथ। इस पे सबसे पहले कितने कितने वॉच फेसेस मिलते हैं गाइस देखते हैं। चलो ये वाला एक है, उसके बाद है ये वाला, उसके बाद ये वाला, ये, ठीक है। मतलब 1, 2, 3, 4, 6, 7 के करीब बस डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस ही मिलता है गाइस, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो इसके अंदर से कोई भी लगा सकते हो। और चलो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं, इधर से ऊपर से टॉगल करोगे तो DND, मतलब जितना सारा फीचर्स है इस पर देखने को मिल जाएगा। क्विक टॉगल और DND मोड है, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब मोड है। और ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद ब्राइटनेस है, यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा कम जितना कर सकते, मतलब स्मार्टफोन की तरह ऐसे टॉगल कर सकते हो, ठीक है। स्मार्टफोन पर जैसे ब्राइटनेस होता है उसी की तरह आप लोग ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। और बैक करने के लिए क्राउन बटन प्रेस करना पड़ेगा। इधर लो बैटरी है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग मेनू है। मेनू पे जितना, मतलब आप जैसे मेनू को रखना चाहते हो वैसे मेनू हो जाएगा। देखो ऐसे 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 रखना है तो गाइस मेनू कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। इसके बाद कोई और ऐसे मेनू हो जाएगा। तो बहुत सारा सिस्टम है गाइस इस पे, मतलब आप लोग मेनू जैसे रखना चाहती हो वैसा ही एनिमेशन
हो जाएगा इस पर, ठीक है गाइस। और क्या क्या चीज़ मिलता है यहाँ पे, फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ये ब्लूटूथ बोल सकते हो ऐसे तरीके से, ठीक है। तो इस पर आप लोग गाइस गाना भी सुन सकते हो। और इसके बाद सेटिंग है, सेटिंग पे क्या क्या चीज़ मिलता है देखो, यहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे ब्राइटनेस है, ऑटो स्लीप मोड है, वॉच फेसेस है, मेनू व्यू है, क्विक व्यू मतलब रेस्ट टू वेक जो फीचर्स होता है यहाँ पे लिखा है, क्विक व्यू वही सेम फीचर्स है, रात को ऐसे सेक करने के बाद आपका स्किन जो जल जाता है ना वही फीचर्स है। बैक करने के लिए इधर से टॉगल करना पड़ता है। उसके बाद कॉल अलर्ट पे क्या क्या है, मोड, वाइब्रेट, इंटेंसिटी, ठीक है। वाइब्रेशन को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप अगर चाहो तो वाइब्रेशन एंड रिंग होगा तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे म्यूट कर सकते हो। उसके बाद इंटेंसिटी का सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपका जो वाइब्रेशन का जो इंटेंसिटी है उसको भी आप लोग यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। नीचे से टॉगल कर दोगे तो गाइस आपका जितना सारा मैसेजेस है, इस साइड से टॉगल करोगे कोई एक्टिविटी है, ठीक है, वही देख पाओगे। अगर आप एक्टिविटी को आप लोग अच्छे से देखना चाहती हो, रीड करना चाहती हो, तो यहाँ पे सारे के सारे चीज़ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना घंटा कितना स्टेप काउंट कर लिया वो भी देख सकते हो। और इधर और टर्न करोगे तो यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है आपका फ़ोन के साथ, स्मार्ट वॉच को। और उसके बाद गाइस यहाँ पे कितना घंटा शो लिया, ये स्लीप मोड है, स्लीप मोड भी चेक कर सकते हो। पीछे की तरफ मतलब नीचे से स्वाइप पर मारोगे तो पूरा का पूरा डाटा दिखा देगा, ठीक है गाइस। उसके बाद हार्ट रेट चेक कर सकते हो, प्लेयर मतलब सॉन्ग्स चला सकते हो। ऑब्वियसली गाइस ये सारी फीचर्स आप तभी एक्टिव कर पाओगे जब आपका स्मार्ट वॉच आपका फ़ोन के साथ कनेक्टेड हो। उसके बाद यहाँ पे गाइस वेदर देख सकते हो, नीचे से स्वाइप मारोगे तो कुछ वेदर पॉडकास्ट देखने को मिल जाएगा, मतलब आज से दो दिन तीन दिन बाद कैसा वेदर रहेगा। हालांकि यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे आप लोग आपके हिसाब से मेनू भी ऐड कर सकते हो, मतलब से स्वाइप अप करोगे तो जितना सारा रिसेंट एक्टिविटी आपने किया है वो भी सारे देख पाओगे। यहाँ गाइस मेनू है, उसके बाद क्या क्या चीज़ मिलता है, कॉलिंग कर सकते हो, एक्टिविटी है, वॉच है, सेटिंग है, कैलकुलेटर है, भाई फ़ोन है, आपका फ़ोन कहीं पे गिरा है तो वो भी चेक कर पाओगे, फ्लैश लाइट है, हालांकि लाइट मतलब ज़्यादा तेज होकर जलता है और कुछ फ्लैश नहीं, टाइमर है, अलार्म है, ये स्टॉप वॉच है शायद, ठीक है, स्टॉप वॉच है, और ये काउंटडाउन है। उसके बाद ये क्या चीज़ मिलता है, रिलैक्स मोड है, सॉन्ग चला सकते हो, शटर मोड है, मैसेजेस है, वेदर है, ये क्या चीज़ है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स है, आप लोग दिन पे कितना एक्टिविटीज़ किए हो सारी चीज़ यहाँ पे देख पाओगे। और उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर है, SpO2 मेजरमेंट कर सकते हो यहाँ से, ब्लड ऑक्सीजन सेंसर है, उसके बाद स्लीप मूड है, हार्ट रेट मूड है, फिर से वही शेयर की सारे सेम मूड है। इनबिल्ट गेम्स भी देखने को मिल जाएगा, तो देखो क्या क्या गेम मिलता है, ये कुछ फ्लॉपी, उसके बाद हमस्टर, बैटलशिप 2048 फ्लॉपी। तो गाइस हालांकि गेम कोई नहीं खेलेगा इस पर, बेकार फालतू के बकचोदी करके रखा ही है, कैसे खेलते हैं गाइस पता नहीं, ये ऐसे ऐसे खेलते हैं गाइस, कौन खेलेगा ये गेम, इतना बड़ा फ़ोन रहते हुए इस पर कोई गेम नहीं खेलेगा, अदर कंपनी को देख के कॉपी करने का कोशिश और कुछ नहीं, ठीक है गाइस। 120 स्पोर्ट्स मोड आपको देखने को मिल जाएगा, आपका ज़रूरत के हिसाब से आप लोग स्पोर्ट मोड को यूज़ कर सकते हो। तो चलो गाइस हाथ पे पहन के देखते हैं यहाँ पे कैसे काम करता है सेंसर्स वगैरह, कितना रीडिंग दिखाता है ये देख सकते हो गाइस। मेरा BPM अभी स्टार्ट हो गया, मेजर कर रहे गाइस कितना दिखाता है, चलो देखते हैं। अरे प्लीज़ वेयर ऑयल एंड ट्राई, वेयर तो पहन के रखो भाई, कितना टाइट पे पहनूं, देखते हैं गाइस कितना दिखाता है BPM, हार्ट रेट 74 दिखा रहा है गाइस, 75, ठीक है। आप लोग एक चीज़ बताओ गाइस, ये स्मार्ट वॉच का सेंसर इतना मतलब एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आप लोग सच पे आपका कोई हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ चेक करना चाहती हो, आप लोग गाइस मेडिकल की किट यूज़ करिए। गाइस एक एवरेज दिखाता है कि गाइस कितना है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं होता है, मतलब 2-3 पॉइंट इधर उधर होता है, 2-3 पॉइंट आगे पीछे भी हो सकता है। तो मैं ये वॉच गाइस कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे एक चीज़ लगा इसके डिस्प्ले का जो टच रिस्पॉन्स है ना, तो इतने मुझे गाइस उतना खास नहीं लगा, ठीक है गाइस, पाँच की तरह इतना स्मूथ नहीं है, ठीक है गाइस, ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगा। और डिफ़ॉल्ट पे जो गाइस 3 वॉच 6-7 वॉच फेसेस मिलता है, वो छोड़ के आप लोग और भी वॉच फेसेस लगा सकते हो, ठीक है गाइस। आपको डाफिट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डाफिट ऐप डाउनलोड करने के बाद सारे के सारे वॉच फेसेस आप लोग एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद इस स्मार्ट वॉच को आप फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करके ब्लूटूथ पे गाना भी सुन सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको फ़ोन पे ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, फ़ोन पे तो ब्लूटूथ ऑन करना है, ठीक है गाइस। और उसके बाद आपका स्मार्ट वॉच पे जाके ये वाला जो सेटिंग है, ठीक है गाइस, तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को,
ये वाला जो सेटिंग है, ये कॉलिंग का साइन देख रहे हो, इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करने के बाद आपका, आप जब सर्च करोगे ब्लूटूथ पे ऐड डिवाइस पे, तो उसके बाद ही ये इसका डिवाइस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो उसके बाद कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके कोई भी गाना सुन सकते हो। चलो मैं अभी एक गाना सुना के आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो। तो ये था गाइस फायरवोल्ट का निंजा कॉलिंग स्मार्ट वॉच बॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। कैसा लगा बताओ, वीडियो अच्छा लगा तो सारे वाले लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते गए और एक नए वीडियो के साथ और एक अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। सारे वाले अच्छे से रहना, खुश रहना एंड गाइस बाय बाय।